नमस्कार, मैं हूं ज्योति बिष्ट। आप देख रहे हैं भारत फोकस न्यूज। गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद पुलिस लाइन पहुंचे उत्तर प्रदेश समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा राज्य मंत्री ने पिंक बूथ की प्रथम वर्षगांठ पर समीक्षा बैठक करते हुए उत्तीर्ण कार्य करने वाली महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गाजियाबाद की कुछ समस्याओं को चिन्हित किया गया है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई करते हुए उनका निस्तारण किया जाएगा। लालकुआ पर लगने वाले 10 किलोमीटर जाम पर उन्होंने कहा कि पुल के नीचे जो पानी भर जाता है, जिसके कारण जाम लगता है, तो वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग बनाने की प्रक्रिया को जल्दी अमल में लाया जाएगा। पिछले दिनों अभी थाना लिंक रोड के अंतर्गत एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार के कारण जो उपद्रव हुआ था, उस पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को टारगेट किया था, जिस पर उन्होंने बताया कि ऐसे मसलों पर गहनता से विचार किया जाएगा। यूपी में होने वाले उपचुनाव की 10 सीटों पर पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। विपक्षी पार्टियों को इस उपचुनाव में धूल चटाने का कार्य बीजेपी करने जा रही है। इसके लिए स्टाफ को और नियुक्त किया जा रहा है। पिंक बूथ की जो गश्त की व्यवस्था है उसको भी तगड़ा किया जा रहा है, जिससे कि पिंक बूथ जो है वो मूल रूप से एक थाने के अंदर एक पुलिस चौकी है, जो कि पूरी तरीके से महिलाएं उसको चलाती है। इसका फायदा ये भी हुआ कि जो हम लोग परामर्श काउंसलिंग करते थे, वो सबको पुलिस लाइन आना पड़ता था और सही से हो नहीं पा रहा था। अब वो विकेंद्रीकृत हो गया, छोटे छोटे समूह में होता है, ज्यादा प्रभावी है, घर के पास है, तो जिसको प्रिवेंटिव पुलिसिंग बोलते हैं, यानी रोकथाम की जो पुलिसिंग है उसको बढ़ावा। सर, मेरा मानना है कि इतना अच्छा कुछ भी नहीं है कि जिसको और अच्छा ना किया सके, तो मैंने निर्देशित किया है कि जिला कर्मियों का और बेहतर प्रशिक्षण हमको कराना है। जो SOP प्रक्रिया बनी है उसको और ताकत देना है, और टेक्नोलॉजी का और प्रयोग कैसे कर सकते हैं इस पे निरंतर हम लोग को आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ है, आज उसके लिए मैं गाजियाबाद में भी हूँ। अभी हम लोग शाम को उसके बारे में एक व्यापक कार्यक्रम भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाले लोगों की संख्या अपार है, व्यक्तिगत रूप से मुझसे आपसे बहुत से लोग अनुरोध करते हैं, तो एक बहुत ही प्रणालीगत सिस्टमेटिक तरीका मोदी जी ने हमको दिया है, जिसके तहत हम लोगों को जोड़ रहे हैं, उनका आंकड़ा भी इकट्ठा कर रहे हैं और उनको कैसे दायित्व देना है इस पे काम कर रहे हैं। सर, मेरा एक आने वाला समय जो उपचुनाव है उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 10 में से 10 सीटें हम लोग जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। रही बात लोकसभा चुनाव की, तो हमेशा हम हर चुनाव में लोकसभा विधानसभा बूथ स्तर पे जाके अध्ययन करते हैं, समीक्षा करते हैं, कोई हमसे कमी रह गई तो उसको हम दूर करते हैं। सर, कुछ स्थानीय नागरिक मुझसे आज मिले भी, और पानी की समस्या लालकुआ की बात भी हुई और कोड़ा कॉलोनी की बात भी हुई, इसको दीर्घकालिक उपाय भी हम लोग कर रहे हैं जिससे कि इसका हल निकले, और तत्कालिक रूप से भी टैंकर के जरिए पानी पहुंचा करके जो बोरिंग के विवाद है उनको हल करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पानी सबको समय से मिले, सही मिले। लेकिन इसमें हम लोग को एक लंबे समय तक जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके लिए काम करना है, क्योंकि गाजियाबाद में जलस्तर नीचे चला गया क्योंकि कच्ची जगह कम बची है और पानी हमारा बह के निकल जाता है। सर, ये समस्या दूर हो सकती है क्या? लालकुआ के नीचे पानी जमा है, कौन सी समस्या है जो दूर नहीं हो सकती? हम लोग को मिल करके उसके लिए काम करना है, सिस्टम बनाना है, सरकार को योजना बनाना है, नागरिकों को उसको फॉलो करना है। जो शिक्षक भर्ती का प्रकरण है उसके संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया, मुख्यमंत्री जी ने उसकी तुरंत समीक्षा की और उसके अनुसार कंप्लायंस के लिए काम शुरू हो चुका है। हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है सूची को नए सिरे से बनाने के लिए, बनाया जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, सबको इसमें साथ लेके चला जाएगा, किसी को कठिनाई भी ना हो, और हमारे पास शिक्षकों की पर्याप्त रिक्तियां हैं।